हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम उदयवीर और आपके अपने यूट्यूब चैनल राजमेसन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे दीवार पर प्लास्टर करने का पूरी जानकारी। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको जिस दीवार पर प्लास्टर करना है उसकी अच्छी तरीके से तराई कर ले। जैसा कि आप देख रहे हैं, अच्छी तरीके से दोस्तों तराई दीवार की होगी तो आपके प्लास्टर जब करेंगे सूखेगा नहीं और अच्छी तरीके से प्लास्टर होगा। उसके बाद नीचे सफाई करके दोस्तों घोला बना लेना है आपको। तो दोस्तों, घोला बना करके दीवार पे आपको लगाना है। दोस्तों, घोला लगाने के क्या फ़ायदे हैं? दोस्तों, प्लास्टर जब आप करते हैं तो मसाला नीचे नहीं गिरता और आगे तक भी दीवार में दोस्तों मजबूती बनी रहती है। तो दीवार पर घोला बनाते समय ये ध्यान रखें कि कहीं से घोला छूटना नहीं चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, कहीं से भी घोले की जगह दोस्तों छूटे ना। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, मसाला बनाकर दोस्तों दीवार पर 1-4 का मसाला बनाकर दोस्तों आपको छपाई करनी है। दोस्तों, छपाई आपको दोस्तों इस हिसाब से करनी है मसाले की, आपको दीवार की स्थिति देखकर। अगर दोस्तों ज़्यादा दीवार तराई कम हुई है तो थोड़ा गीला मसाला रखें, और अगर आपकी तराई सही है तो आप थोड़ा टाइट मसाला रखें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, दीवार की हम छपाई दोस्तों कर रहे हैं। छपाई दोस्तों इकसार होनी चाहिए, ना ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा पतली छपाई होनी नहीं चाहिए दोस्तों, ताकि इस पर फंटा लगेगा और फंटे से जो इसकी सेटिंग होती है और माल उतरता है। तो ज़्यादा दोस्तों पतली छपाई नहीं होनी चाहिए, छपाई ठीक ठाक ही आप रखें। जैसे कि आप देख सकते हैं, मसाले का जो हमने आपको बताया दोस्तों, रेशो 1-4 का रखना है आपको, और दीवार की थोड़ी छपाई आप मोटी करें ताकि फंटे से जो मसाला उतरता है आपका वो सही से हो जाए। अगर आप दोस्तों हल्का मसाला छापेंगे पतला, तो फिर आपकी फंटी सही से नहीं लगेगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान करना है दोस्तों। तो थोड़ी सी छपाई जो है इसकी मोटाई होनी चाहिए। ये देख सकते हैं आप, हम छपाई दोस्तों कर रहे हैं। तो आपको भी इसी तरीके से छपाई दीवार की कर लेनी है, कहीं से भी जगह नहीं छूटनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों दीवार पर जो छपाई की है उस पर करनी आपको मारनी है। करनी अगर दोस्तों सही से लगी होगी तो आपकी फंटी लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपको दीवार पर जो प्लास्टर छापा है उस पर सही से करनी लगाए, और कहीं कमी रह गई हो तो आप मसाला दोबारे से मारकर उस पर छपाई दोस्तों जहाँ पे कर रखी है उस पर फिर से मसाला लगा के करनी लगाए, ताकि सही से आपकी करनी लगे। ये आप देख सकते हैं, अब हमारी करनी दोस्तों लग चुकी है। इसके बाद का क्या कार्य है दोस्तों, वो भी हम आपको बताएंगे वीडियो में। दोस्तों अंत तक बने रहे, हम आपको आज पूरी जानकारी देंगे। अब इसके बाद दोस्तों जहाँ कई गड्ढे आपको दिखाई रहे हैं वो सही से कर ले। उसके बाद आपको फंटी लगानी है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपको फंटी का निशान लगा लेना है। ये आप देख सकते हैं, फंटी का नीचे तक आपको फंटी लगा कर देखनी है दोस्तों कि आपका नीचे भी प्लास्टर सही से हो जाए। उसके बाद फंटी की नाप लेकर आपको दूसरा निशान लगा लेना है। ये आप देख सकते हैं, सही से निशान लगाना है ताकि फंटी आपकी सही से लगे, और नीचे तक आपको फिर से देखना है। ये आप देख सकते हैं, कहीं फंटी हमारी रह गई है तो हम फिर से दोबारा मसाला लगा के उसे सही से कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको भी कर लेना है, और यहाँ भी आपको निशान लगा लेना है। फिर दोस्तों ऊपर से आपको फंटी लगा के चलना है। ये देख सकते हैं आप, फंटी दोस्तों ऊपर से सही से लगानी है कच में, कहीं से भी खाली ना रहे और ज़्यादा मसाला दोस्तों आपको छोड़ना नहीं है, उसे सही से आपको कर लेना है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों,
और फिर से आपको फंटी इस तरीके से लगानी है। और बार बार दोस्तों नीचे तक आपको जहाँ भी फंटी लगाए उसे चेक करना है ताकि नीचे का प्लास्टर भी आपका सही आए। फिर दोस्तों इस तरीके से आपको मसाले की कटिंग करनी है, जो आपने फंटी लगा रखी थी दोस्तों इस तरीके से आपको मसाले की कटिंग कर लेनी है। ये देख सकते हैं दोस्तों हमारी फंटी ठीक से दोस्तों लग चुकी है, तो इसी तरीके से दोस्तों आपको भी लगा लेनी है। फिर दोस्तों इसके बाद आपको रूसे की सहायता से प्लास्टर दोस्तों करना है। ये देख सकते हैं आप रूसे की सहायता से आपको प्लास्टर करना है, ये रूसा लगाना है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं रूसा अगर सही से लगा होगा तो आपका प्लास्टर भी ठीक होगा दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों रूसा हम लगा रहे हैं। इसी तरीके से आपको हल्के हाथ से रूसा चलाना है और आपको प्लास्टर करना है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, तो लगभग हमारा प्लास्टर दोस्तों हो चुका है। आप देख सकते हैं ये रूसा जो इधर रह रहा है आपको भी इसी तरीके से लगाना है दोस्तों। रूसा दोस्तों हल्के हाथ से चलाए तो आपका प्लास्टर बहुत ही खूबसूरत होगा दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों ये प्लास्टर हमने दीवार का कर चुके हैं। ये आपको दोस्तों कैसा लगा, बहुत ही सुंदर प्लास्टर हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। नमस्कार।